स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस सुविधा आरंभ की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने सिविल अस्पताल पालमपुर में मरीजों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक बस का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि लोगों की मांग पर अस्पताल आने जाने वाले लोगों के लिए ये सुविधा शुरू की गई है। ये बस नए बस अड्डे से सिविल अस्पताल, पुराने बस अड्डे विवेकानंद अस्पताल और जडिहार रोड तक उपलब्ध रहेगी। परमार ने कहा कि प्रदेश सभी अस्पतालों में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ स्टाफ की कमी को पूरा कर चिकित्सा प्रणाली को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल पालमपुर में स्टाफ भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होते ही डायलिसिस सुविधा आरंभ की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सांसद शांता कुमार द्वारा प्राप्त धनराशि से एंडोस्कोपी मशीन उपलब्ध होने से पालमपुर में एंडोस्कोपी से ऑपरेशन आरंभ हो गए हैं और इसके लिए अस्पताल में दो चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया कि पालमपुर अस्पताल में अन्नपूर्णा भोजनालय भी आरंभ करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं और इसके आरंभ होने से मरीजों और उनके ताम्रदारों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पुनीत कार्य के लिए कोई भी जुड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बस से भविष्य में अन्य स्थानों को भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल के सभी वार्डों का स्वयं जाकर निरीक्षण किया और मरीजों का हालचाल जाना तथा अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी भी प्राप्त की। 300 डॉक्टर्स हमने बैच वाइज 200 डॉक्टर कमीशन हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भर्ती कर रहे और 2000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां भी होने वाली है, जिसमें 732 नर्सिस हैं, इसके अलावा फार्मासिस्ट हैं, उसके अलावा रेडियोग्राफर्स हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, इत्यादि इत्यादि। परंतु और हमारे 6 मेडिकल कॉलेज सरकारी दायरे में और एक प्राइवेट दायरे में आने वाले वर्षों में 750 डॉक्टर तैयार होंगे। मैंने अपने आरकेएस की टीम और यहाँ के जो हमारे एमएस हैं डॉक्टर साहब, महाजन साहब और यहाँ की टीम से मैंने गुजारिश की है कि हम यहाँ इस सिविल हॉस्पिटल में अन्नपूर्णा योजना के नाम पर निशुल्क खाने की व्यवस्था भी आने वाले दिनों में करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीडे, निशुल्क होगा, जो इस अस्पताल में आएगा उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और इसके लिए आरकेएस की टीम और हमारे डॉक्टर साहिबान और कोई भी उसमें जुड़ सकता है। ये कोई पार्टी का मामला नहीं, इसमें कोई भी जुड़ सकता है। इसका हम बायलॉज उसका सिस्टम तैयार कर रहे हैं और यही मैं कहना चाहता हूँ, इस अस्पताल में अच्छी सुविधाएं लोगों को मिल रही है, इसके लिए भी मैं अपनी टीम को बहुत बहुत बधाई। और सुभाष नर्सिंग कॉलेज के आप टीचर हैं तो आपने मेरा स्वागत किया तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। सुभाष नर्सिंग कॉलेज भी हमारी तो बैकबोन है सर, आप हमारे रीढ़ की हड्डी हैं सर, तो उसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आप स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करें, सुदृढ़ करें, इसके लिए आपके सहयोग की हमें भविष्य में भी जरूरत है। और मुझे कोई कह रहा था जी आप बिना बताए ही अस्पताल आ गए, अध्यक्ष जी कह रहे थे हम तो आपका स्वागत करना चाहते हैं। मैं आपके लिए कोई मंत्री नहीं, मैं आपके लिए आपके घर का आदमी हूँ, मैं घर का आदमी हूँ, इसलिए इसमें पार्टी का कोई भेद नहीं, इलाके का कोई भेद नहीं। तो आप सभी आए, आपने मेरा सम्मान बढ़ाया, डॉक्टरों का मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए सभी का। सर एक क्वेश्चन है, डायलिसिस की सुविधा यहाँ शुरू होनी है जो अभी नहीं हो पाई है, वर्तमान समय मेडिकल कॉलेज टांडा में डायलिसिस नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या कार्रवाई रही है? अभी यहाँ की डायलिसिस शुरू जल्दी होने जा रही है, उसने जो कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, वो रिक्रूटमेंट कर रही है आजकल अपने स्टाफ, जो ही वो रिक्रूट हो जाते हैं शॉर्टली। और ये भी मैं आपको सर की परमिशन से बता रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में अगर डायलिसिस सुविधा सबसे पहले शुरू होगी तो पालमपुर में ही होगी। सर के स्पष्ट निर्देश, डायलिसिस की सुविधा जो उसकी भर्ती की प्रक्रिया है जिसमें लैब टेक्नीशियन रखे जाने हैं, उसमें मेडिकल अफसर रखे जाने हैं, स्टाफ नर्सिस रखी जानी है। मेरी कोशिश रहेगी और मैंने कहा भी है कि इसको जल्दी से जल्दी शुरू करें। शांता जी ने दिया
बिल्कुल सर, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रेडी है जी। यहाँ पर सर्जरी भी हो रही है, दो दो सर्जन है और गायनोकोलॉजिस्ट भी दो हैं। यानी अब इस अस्पताल में स्टाफ की कोई कमी नहीं है। और शांता कुमार जी ने जो 25 लाख एंडोस्कोपी के लिए 25 लाख रुपया दिया है, एंडोस्कोपी आ चुकी है, दो डॉक्टर्स यहां से प्रशिक्षण और ट्रेन हो गए हैं, इसलिए अब एंजियोग्राफी आपके सिविल हॉस्पिटल एंडोस्कोपी सिविल हॉस्पिटल पालमपुर में ही होगी, ये भी बताना।